विराजे, जल्दी जल्दी कुर्सियों पर बैठे, नेताजी मंच पर आए, उससे पहले पहले आप सब लोग अपना स्थान ग्रहण करें। आप सब लोगों ने आज के पूरे दिन की जो तपस्या करी, इस तपस्या के बदले मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सब लोग मजबूती से इसी प्रकार डटे रहना। हनुमान बेनीवाल जी आपके साथ रहेंगे, हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। हेलो, ये कॉर्डलेस चालू करना। हेलो हेलो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक इसको। हेलो हेलो हेलो, समस्त वॉलंटियर से निवेदन, बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था यहाँ के आयोजकों ने की है और हमारे हम सब के लाडले हनुमान जी बेनीवाल शीघ्र ही मंच के ऊपर आ रहे हैं, तो आप जो भी कूलर के आसपास खड़े हैं आप लोग कुर्सियों पर बैठिए। गढ़चरणा की इस पावन और एक नया इतिहास इस गढ़चरणा की धरती से बनाने जा रहे हैं, मैं इतना ही निवेदन आप सब से करूंगा और विशेषकर जो वॉलंटियर साथी हैं, आपकी जहां जहां ड्यूटी लगाई है आप वहीं खड़े रहें। कोई बुजुर्ग महिला माता बहने या कोई जनप्रतिनिधि दिखता है उनको आप कुर्सी दें, आप खड़े रहें, व्यवस्थाएं आप लोगों को बनानी है। एक परिचय पूरे देश और विश्व के अंदर देना है कि हम हनुमान जी की सेना है, स्वअनुशासित लोग हैं, हमें किसी दूसरों के बताए हुए अनुशासन की लीक पर चलने की आवश्यकता नहीं है, हम स्वअनुशासित हैं। इसलिए एक बार पुनः मेरा सबसे निवेदन, जो कूलर के आसपास खड़े हैं साथी लोग, आप सब लोग कुर्सियों के ऊपर बैठें, जितने भी वॉलंटियर हैं आप सब ये व्यवस्थाएं संभाले, कूलर के और एलईडी के आसपास कोई खड़े नहीं रहे। धन्यवाद। जिस शख्स का हम सुबह से इंतजार कर रहे थे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो, शेर राजस्थान, जन जन के लाडले, हम सबके नेता, आदरणीय नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी, सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ में हम सबके बीच में पहुंच चुके हैं। अभी नेताजी पंडाल के अंदर पधारेंगे तो सभी साथियों से आग्रह रहेगा कि खड़े होकर उनका जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन करेंगे। जो साथी पीछे खड़े उनसे मेरा निवेदन है कि आप करता करके सुनो, जवाना सुनो, किसाना बात छाती कहने दी है, हिम्मत दिन में लड़ने दी है छाती। हाँ बात करूं मैं बेनीवाल की, दिल सो सीएम तुझे उत्तरी भारत के सबसे बड़े नेता, माननीय सम्मानीय शेर राजस्थान हम सबके बीच में पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ में माननीय सम्मानीय नागौर सांसद श्री हनुमान बेनीवाल जी का इस गढ़चरणा की पावन धरती पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। सभी साथियों से निवेदन है, कृपा करके जो वॉलंटियर है, जो भी इधर गेट पे खड़े हैं, आप सबसे निवेदन, सामने बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था है, आप सब लोग उधर विराजे, और जो कूलर और एलईडी के आसपास खड़े हैं आप सब लोग कुर्सियों के ऊपर बिरा जाएं। लंबा कार्यक्रम चलेगा, इस गढ़साना की इस पावन धरा और इस मजबूत इलाके से पूरे देश और विश्व के अंदर ये मैसेज आना चाहिए कि किसान का बेटा जो रात और दिन जग के व्यवस्था परिवर्तन की बात राजस्थान के अंदर चाहता है, वो खुशहाल राजस्थान का जो सपना हनुमान जी बेनीवाल ने देखा है, उस सपने को हम सब लोगों को मिलकर पूरा करना है। मैं एक बार पुनः साथियों से अपील करूंगा कि पीछे जो कुर्सियां लगी हुई है पूरी गैलरी आप खाली करके और कुर्सियों पे आप लोग बैठे हैं, और जो भी वक्ता आपके सामने विचार साझा करेंगे उनके विचारों को आपको सुनना है। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। इस प्रदेश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को लड़ते हुए पिछले 20 सालों से हर एक आम आवाम को गांव गांव डाणी डाणी जाकर उनको जगाने का काम करने वाले, एक कुशल प्रदेश बनाने वाले, इस प्रदेश को बेमुक्त प्रदेश बनाने वाले, अपराध मुक्त प्रदेश बनाने वाले, महिलाओं की सुरक्षाओं को गारंटी देने वाले, टोल मुक्त प्रदेश बनाने वाले, कर्ज मुक्त किसान का प्रदेश बनाने वाले, ऐसे ही विचारों से परिपूर्ण एक सोच के साथ पिछले 20 सालों से हर एक
तबके की लड़ाई, 36 कौम की लड़ाई लड़ने वाले आदरणीय सम्मान्य हनुमान बेनीवाल जी, जो कि आज इस जन हुंकार रैली को संबोधित करने के लिए हम सबके बीच में पहुंचे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है कि लगातार जन हुंकार रैलियों के माध्यम से इस प्रदेश को जगाने का काम करने वाले नेताजी बिना सोए, बिना रुके, बिना थके लगातार इस प्रदेश के अंदर, इस प्रदेश को न्याय दिलाने के लिए व्यवस्था परिवर्तन के नारे को बुलंद करते हुए इस राष्ट्रीय लोकतंत्री पार्टी परिवार के कुनबे को दिन रात बढ़ाते हुए हम सबके बीच में पहुंचे हैं। एक विनती करूंगा, जो साथी साइड में खड़े हैं इन कूलरों के पास में, दोनों साइड राइट और लेफ्ट साइड, आपसे गुजारिश है कि कृपया करके पीछे जो कुर्सियां हैं उनके ऊपर आप बैठे। जो भी वॉलंटियर साथी है आप कृपया करके व्यवस्था बनाने में सहयोग करें तुरंत प्रभाव से। जो भी वॉलंटियर साथी है आप तुरंत प्रभाव से साइड में जो साथी खड़े हैं वो सामने कुर्सियों पे बैठ जाए। जो भी सारे साथी है, सबसे पहले आज तक हमारी परंपरा रही है कि जो भी अतिथि हमारे घर में आते हैं तो सबसे पहले स्वागत सत्कार की परंपरा, जो हमें हमारे धर्म और हमारे बुजुर्गों से हमेशा हमारी परंपरा रही है, तो स्वागत सत्कार की इस बेला को प्रारंभ करूंगा। उससे पहले एक बार पुनः आपसे गुजारिश है कि जो भी साथी साइड में हैं, साइडों में वो पीछे करके चेयर पे विराजने का काम करें। अब माननीय सम्मान्य शेर राजस्थान श्रीमान हनुमान बेनीवाल जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। हरजिंदर सिंह जी 18P से आप आते हैं, उप सरपंच है, आप नेताजी का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे, उनके साथ में मौजूद रहेंगे। हर गोविंद सिंह जी रंधावा, आप भी 18P से आते हैं, आपके माता पिता लगातार 20 साल सरपंच रहे, आप चेयरमैन है PU पंजाब यूनिवर्सिटी से। संदीप ढिल्लो सरपंच कड़साना, संदीप ढिल्लो आप भी इनके साथ में नेताजी का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। हरजिंदर सिंह जी, हरगोविंद सिंह जी, संदीप ढिल्लो जी आप साफा पहनाकर नेताजी का स्वागत सत्कार करेंगे। नेताजी के साथ में यहां पधारे हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार के प्रदेश अध्यक्ष भोपालगढ़ से विधायक आदरणीय माननीय सम्मान्य पुखराज गर्ग भी, गर्ग जी भी हमारे बीच में पहुंचे, जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत सत्कार। अब उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं भागीरथ जी कुकणा, आप आए और साफा बनाकर पुखराज जी गर्ग साहब का स्वागत करें। पुखराज जी गर्ग के स्वागत के लिए पुखराज जी कुकणा, उनके साथ में हमारे बीच में खींवसर से लोक लाडले विधायक भाई साहब नारायण जी बेनीवाल साहब के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। लेखराज जी मेघवाल, आप RLP के प्रत्याशी रहे 10 LM से पंचायत समिति के चुनाव में, चुनाव लड़ा, लेखराम जी मेघवाल आप आए और सपा पे नाकर भाई साहब नारायण बेनीवाल जी का स्वागत सत्कार करें। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ा, हमारे बीच में मौजूद है मेड़ता से विधायक श्रीमती इंदिरा देवी बावरी जी, इंदिरा देवी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। मुस्कान जानी बहन, मुस्कान जानी आप आए और सोल बेंट करके इंदिरा देवी बावरी जी का स्वागत करें। मुस्कान जानी जी बहने इंदिरा देवी बावरी जी का सोल उड़ाकर स्वागत करते हुए जोरदार तालियां, तालियां नहीं रुकनी चाहिए। एक बार जो जितने भी वॉलंटियर साथी हैं उनसे पुनः गुजारिश है कि इधर जो साइड में राइट साइड में साथी खड़े हैं कृपया करके आप पीछे जाके विराजिए। जो भी इधर साथी खड़े हैं और जो वॉलंटियर साथी शोक व्यवस्था बनाने में शोक करें तुरंत प्रभाव से। अब स्वागत की इस बेला को आगे बढ़ाते हुए 51 किलो की माला पहनाकर माननीय सम्मान्य बेनीवाल जी का स्वागत करेंगे। इनके लिए यहाँ के जो स्थानीय है, जो नागरिक है वो ही आएंगे, जिनका मैं नाम लूंगा वो मंच पे सादर आमंत्रित है। आप आए और 21 किलो की माला पहनाकर भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी का स्वागत करेंगे। नंदराम जी कासनिया, मनीराम जी सारण, ओम जी बिजारणिया, बिहारी जी जानी, नथुराम जी शोराण, इंदिराज जी जानी, जय सिंह जी जाकड़, माणक जी सारस्वत, बागी जी कुकणा, लेखराम जी जाकड़, ताराचंद जी नायक, मोहन जी बिजारणिया, मदन जी शोराण, श्रवण जी गोदारा, लेखराम मेघवाल, सिकंदर सिंह जी, सुदेश जी जाकड़, गिरधारी जी कासनिया, सुभाष जी बेनीवाल,
चुन्नीलाल जी गोदारा, अंगद जी खोत, आप सब आए और 51 किलो की माला पहनाकर भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी का स्वागत करें। सभी साथी गढ़साना, अनूपगढ़ विधानसभा और आसपास के गणमान्य नागरिक भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी को 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत सत्कार करते हुए जोरदार तालियां। ये बहुत ही सौभाग्य है हमारे लिए कि नेताजी हम सब के बीच में पधारे हैं और एक नया मिशन और इस व्यस्त परिवर्तन के नारे को बुलंद करने के लिए आज तक जिन नेताओं ने आपको ठगने का काम किया, आपको राजनीति के नाम पर पकड़ाने का काम किया, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी के साथ में मौजूद पुखराज जी गर्ग, नारायण जी बेनीवाल, इंदिरा देवी बाउरी जी का भी 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत सत्कार करते हुए पार्टी परिवार के तीनों विधायक और हम सब के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी सभी का 21 किलो की माला पहनाकर स्थानीय गणमान्य नागरिकों ने जोरदार स्वागत सत्कार किया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस स्वागत बेला को यही पूर्ण विराम देते हुए मैं आमंत्रित करता हूं मेड़ता से विधायक श्रीमती इंदिरा देवी बावरी जी। आप विधानसभा के अंदर मेड़ता ही नहीं बल्कि और भी आसपास के इलाकों के अंदर आप मजबूती से पैरवी करते हो इस प्रदेश की जनता की। आप आए और इस जन हुंकार रैली के अंदर अपना उद्बोधन दे श्रीमती इंदिरा देवी बावरी जी। आज रावला मंडी में नी गढ़साना में हुंकार रैली में आपके सबके लाडला नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब, खींवसर से विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब, भोपालगढ़ के विधायक पुखराज जी गर्ग साहब और सामने विराजमान हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, प्यारे बच्चों और सम्मानित मंच। वैसे आज हर विधानसभा में और हर किसाना के वास्ते एक लड़ाई लड़े सिर्फ हनुमान जी बेनीवाल साहब हमेशा ही आपकी आवाज उठावे और किसान दलित गरीब परिवार के वास्ते हमेशा ही लड़े और रात दिन बस नींद नहीं लेवे और आई सोचे कि गरीब किसान को भलो किया वे और किसान ने किसान को हक किया मिले भी वास्ते अपनी लड़ाई लड़े। तो मैं 36 कौम से निवेदन करूं कि आप लोग सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारिया, सबको आपको बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। वैसे आपको एक लड़ाकू नेता चाहिए तो लड़ाकू नेता जो हनुमान जी बेनीवाल साहब लड़ाई लड़े वो नेता आज तक तो लड़ाई लड़ी नहीं और अभी तक कोई लड़ने वाला नेता आपने मिले नहीं। तो मैं आपसे सबसे निवेदन करती हूँ कि आप लोग सब हनुमान बेनीवाल जी को इतना मजबूत करो कि आने वाली टाइम में नेताजी मुख्यमंत्री बने और पूरा राजस्थान को संभाले। वैसे पूरा राजस्थान में आप लोग देखो 3 विधायक है और 1 MP है, पूरा राजस्थान ने हला रखी हो और पूरा राजस्थान का कर्मचारी और जो भी भट्टाचारी हो रही है भी वास्ते आज हनुमान जी बेनीवाल साहब पूरा संघर्ष कर रही है कि जो भी कर्मचारी आपकी मनमानी कर रही है, चाहे बजरी माफिया लो चाहे कोई भी कर्मचारी, भी वास्ते पूरा प्रयास करे कि हमारा किसान का बेटा और किसान ने हक किया मिले। आज किसान के वास्ते आज हर जवान किसान के वास्ते लड़ाई लड़े पर किसानों की बात आज तक लोकसभा में कोई नहीं उठाई, सिर्फ एक ही आदमी है हनुमान जी बेनीवाल साहब आपकी बात उठावे, चाहे छोटी मोटी घटनाएं जावे तो आपके बीच में जो धरना लगाना रहे तो धरना ही लगावे और रोड पे बैठे हो तो रोड पर ही बैठी और आपकी बात सुनी और जब तक न्याय नहीं मिली जब तक आपके बीच में बैठ और आपको न्याय दिलाई। आज तक आप देख रहे हो कई लोग तो कह रही है कि हमारा नेता ऐसा है, हम कहने से नहीं कहते हमारा नेता ऐसा है, सोशल मीडिया पर चलता है। हमेशा आप देखते हो कि हनुमान बेनीवाल जी कितना लड़ाकू नेता है और हमेशा ही लड़ता दिखे और हमेशा ही किसान दलित गरीब परिवार के वास्ते हमेशा ही आपकी लड़ाई लड़े। तो
तो मैं आपसे सब निवेदन करती हूँ कि आप लोग सब ज्यादा से ज्यादा हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत करें, और क्योंकि आने वाली टाइम इन नेताजी की होनी चाहिए, क्योंकि आपके वास्ते सिर्फ एक ही आदमी है लड़बाला, और नेता तो आपके बीच में और भी है। 3-4 दिनों के मैं भी घूम रही हूँ, पर आज के विधानसभा में कोई भी काम नजर नहीं आ रही हो, नहीं कोई विकास नजर आ रही हो, किसान गरीब दुख पा रही हो, नहीं रहने के लिए घर है, नहीं पीने के लिए पानी है, और नहीं कोई लाइट की व्यवस्था है, और नहीं कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था है। तो मैं आपसे सबसे निवेदन करती हूँ कि हनुमान बेनीवाल जी का साथ दो, आपके लिए सब मिली। मेड़ता विधानसभा की मैं आपने बात बता दूं, कई लोग कह रही है जट सरकार है जट काम यह करे, पर आज हनुमान बेनीवाल जी से आशीर्वाद हूँ, आज मेड़ता विधानसभा में 250 किलोमीटर रोड बनाई, और हॉस्पिटल दो कॉलेज भी लिए, और एक ट्रोमा सेंटर, और भी जो हमारे किसानों की मांग है, और नेताजी से पूरी आस करूं कि हमारे मेड़ता विधानसभा के लोगों का और भी विकास है। जैसे मेड़ता में विकास हुआ, जैसे आपका विकास होना चाहिए, तो ऐसा नेता चुनो, आप किसानों की सुने, और किसानों के बीच में बैठे और किसानों की बात सुने, इनका नेता आप चुनो जो आपको भलो है और आपकी बात सुनी। कई में काल गई गरीब कच्ची बस्ती में, रहने के लिए घर नहीं है, 50 साल रह रही है, पर आज तक कोई सरकार व्यवस्था नहीं मिल रही है। तो मैं आपसे सबसे निवेदन कर रही हूँ कि आबाड़ी टाइम इनका नेता ना आप चुनो, आपकी बात सुने, और आपने जो सरकार हूँ जो भी व्यवस्था मिले आपने पूरा हक दिलावे, और आपने न्याय मिले, इनका नेता आप चुनो। आप लोगों ने सबने मारा हाथ जोड़ो, ये निवेदन है। धन्यवाद। राम राम। धन्यवाद इंदिरा जी, आपने बहुत ही कम शब्दों के अंदर जिस तरीके से बताया कि मेड़ता के अंदर किस तरीके से भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी के शोक से और आपके संघर्ष से लगातार विकास कार्यों की गंगा बहती है, इसी तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार के जितने विधायक हैं, जितने प्रधान हैं, और पूरे प्रदेश के अंदर जो नेताजी जहाँ भी जाते हैं उसके अंदर जब कोई भी काम हो दिन रात संघर्ष रहते हैं और हर कार्य को पूरा करवाते हैं। अब आगे की कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोक लाडले खीवसर से विधायक भाई साहब नारायण जी बेनीवाल। आप मजबूती से मजबूत आवाज हर तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार के सदस्य हैं और इस प्रदेश की जनता के हर एक मुद्दों को विधानसभा में उठाते हैं। आपको आमंत्रित करता हूं, आप आए और अपनी वाणी से इस सभा को संबोधित करें भाई साहब नारायण जी बेनीवाल। एक सभी से निवेदन करूंगा, आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार के बहुत ही अमूल्य रत्न हैं, आपसे मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर कृपा करके आप सामने जो पीछे चेयर है उन पे बिराजे। इधर जो साथी खड़े हैं कोई भी साथी खड़ा नहीं रहेगा, जो इधर साथी खड़े हैं आप सबको कह रहा हूं, इधर जो साथी खड़े हैं आपको कह रहा हूं, आप पीछे करके सामने बिराजिए, और इधर जो साथी खड़े हैं कृपा करके आप सामने जो चेयर लगी है वहां बैठिए। सभी साथियों से निवेदन है कि कृपा करके आप जो पीछे चेयर लगी है वहां बैठिए, जो भी साथी है कृपा करके वहां बैठिए, बैठने की अच्छी व्यवस्था की गई है। आमंत्रित करता हूं खीवसर से विधायक भाई साहब नारायण जी बेनीवाल। गढ़सरणा की इस पावन धरा पे आज की इस जन हुंकार रैली में मंच पे विराजमान परम आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग, मेड़ता विधायक बहन इंदिरा जी और सम्मानित मंच, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्ग जन, नौजवान साथियों, माताओं बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो गढ़सरणा की पूरी आरएलपी टीम और यहाँ के विशेषकर बुजुर्ग जनों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने छोटी सी सूचना के ऊपर बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आप लोगों ने आयोजन किया और एक मैसेज पूरे राजस्थान के अंदर दिया, क्योंकि जब 3 दिन पहले हम आए और कार्यक्रम के सिलसिले में जब भी जिससे चर्चा हुई, चाहे वो प्रशासनिक अमला हो चाहे यहाँ का प्रबुद्ध जन हो, उन्होंने एक ही बात कही कि राजस्थान के अंदर 2004 से पहले जरूर रावड़ा और गढ़सरणा के अंदर बड़े बड़े आंदोलन यहाँ हुए,
लेकिन उसके बाद कोई बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किसी भी राष्ट्रीय और दूसरी पार्टियों का नहीं हुआ। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के युवाओं को, और शुक्रगुजार हूँ यहाँ के बुजुर्गों का जिन्होंने अपना अति महत्वपूर्ण समय निकाल के और आज एक किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई पूरे राजस्थान के अंदर लड़ रहे हैं उनको आप संबल देने के लिए यहाँ कोने कोने से आप लोग पधारे हैं। पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें आप लोगों के समक्ष रखी, अपने अपने विचार भी रखे, और मुख्य जो चूंकि हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों बड़े किसानी जिले हैं, मैं मारवाड़ की तरह से आता हूँ, और मारवाड़ का व्यक्ति जब हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के बारे में सुनता है तो जैन में एक ही विचार आता है कि यहाँ के सारे समृद्ध होंगे किसान। राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ और गंगानगर में बड़ा सिंचित क्षेत्र है, लेकिन पिछले 3 दिन में जब यहाँ गांव गांव और अनेक जगह जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ का किसान मारवाड़ के किसान से भी ज़्यादा दुखी नजर आया। मैं यही बात आपको कहना चाहूँगा कि किसानों को दोनों राष्ट्रीय दलों ने कहीं पे जाति के नाम पे, कहीं को धर्म पे के नाम पे, कहीं अगड़े पिछड़े के नाम पे, हम सब लोगों को लड़ा के और इन्होंने बारी बारी से सत्ता के ऊपर आसीन होने का जो काम इन्होंने 75 वर्ष में किया है, अब समय आ गया है कि किसान का बेटा जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है, हनुमान जी एक ही बात कहते हैं कि मैं राजस्थान के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं बनाना चाहता हूँ कि गाँव का गरीब व्यक्ति थाने कोर्ट कचहरी तहसील के अंदर जाए तो वहां का अधिकारी खड़ा होकर ये कहे कि बाबा बताओ आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूं, ऐसा राजस्थान हनुमान जी बनाना चाहते हैं। उनके खुशहाल सपनों का राजस्थान, जो भय मुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की बात की। पहली बार एक किसान का बेटा है जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये कहा कि मैं चाहता हूं कि प्रदेश का किसान जो कर्ज मुक्त होना चाहिए, टोल मुक्त राजस्थान होना चाहिए, सारी जो किसानों की समस्या है, किसान को खाद के लिए लाइन में नहीं लगना पड़े, पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती जो दरें हैं वो कम हो, इसके साथ साथ अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर हमें ईमानदारी से सोचना पड़ेगा। मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा, किसान का बेटा हूं और यहाँ रावड़ा गढ़साना की मजबूत धरा है, आप लोग एक ही संकल्प लें, अब 75 वर्ष देश को आजाद हुए हो गए, हमें भी अपने बच्चों की चिंता करनी है कि हमारे बच्चों के हक और अधिकार के लिए कौन व्यक्ति लड़ रहा है। एक ही किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल जो रात और दिन जाके आपका झंडा, किसान और जवान का झंडा राजस्थान में कैसे बुलंद हो इस व्यवस्था के अंदर लगा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को आप थकने मत देना, दोनों हाथों से आप हमेशा आशीर्वाद बनाए रखना, ये मैं आपसे अरदास करके जा रहा हूं। मैं एक बार पुनः इस कार्यक्रम के समस्त आयोजकों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। अभी हनुमान जी बेनीवाल आपसे रूबरू होंगे, पार्टी की विचारधाराओं को लेकर आपको बताएंगे। यहाँ एक ही चीज है जो मैंने अक्सर 3 दिन के अंदर मैंने महसूस की कि यहाँ के जो नेता है उनकी पब्लिक के अंदर उन्होंने कभी मिलने का समय नहीं दिया, या सीट पे बैठने के बाद उन्होंने जनता का ध्यान नहीं रखा, तो यहाँ के पब्लिक के अंदर नेताओं में विश्वास जरूर कम है। तो मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के समक्ष जो कार्यकर्ता है यहाँ के, उनसे एक ही निवेदन करूंगा कि हमें सही दिशा के अंदर आगे बढ़ना है और हमें एक विश्वास जो हमारी पार्टी का है वो इस क्षेत्र में कैसे कायम हो, इस बिंदु पे आपको गहराई से सोच के और इसी दिशा के अंदर आपको काम करना है। एक बार पुनः मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और इस आशा और उम्मीद के साथ कि राजस्थान के अंदर जो दोनों जिले गंगानगर और हनुमानगढ़ है जो आज नशे की गिरफ्त में बहुत तेजी से जा रहे हैं, तो युवाओं से मैं विशेष अपील करूंगा कि नशा मुक्त और शिक्षित समाज बना के और हमें सही रास्ते के अंदर आगे बढ़ना है। एक किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल के हाथों को हमें मजबूत करना है। धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद। धन्यवाद भाई साहब, आपने बहुत ही स्पष्ट शब्दों के अंदर जिस तरीके से यहाँ की जो अभी किसानों की स्थिति है और जो पूरे मारवाड़ उधर की स्थिति है उनका तुलनीय किया, बताया किस तरीके से क्या स्थिति यहाँ की है और किस तरीके से सरकार हमारे साथ करती है। अब उद्बोधन की कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, गोपालगढ़ से विधायक आदरणीय सम्मान्य श्रीमान पुखराज जी गर्ग, आप आए और अपना उद्बोधन दें। पुखराज जी गर्ग साहब,
आज घर्षणा के अंदर जनऊ का रैली के इस आयोजन में हमारे बीच उपस्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो नागौर के लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, छिंदसर के लोकप्रिय विधायक और हमेशा लक्ष्मण की भूमिका में हनुमान जी के साथ रहने वाले नारायण जी बेनीवाल साहब, मेड़ता के विधायक का बहन इंदिरा जी सम्मानित मंच और सामने उपस्थित घर्षणा के दूरदराज गांव ढाणी से पधारे हुए बुजुर्गों, युवा साथियों, माताएं, बहनें, आप सभी का इस जनों का रैली के अंदर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने बहुत सारे पूर्व वक्ताओं ने पार्टी की रीति नीति के बारे में बताया। मैं आपको पार्टी जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, ये प्रदेश की तीसरी बड़ी ताकत बन चुकी है। ये आप सभी लोगों ने अखबार और टीवी के माध्यम से देखा होगा। पार्टी के तीन विधायक हैं, माननीय हनुमान जी बेनीवाल साहब एमपी हैं, पांच प्रधान हैं, जिला भर सदस्य और पंचायत सदस्य भी सैकड़ों के अंदर है। ये पार्टी प्रदेश के अंदर पिछले 4.5 साल के अंदर उन सारे जिलों में जहाँ चाहे उपचुनाव हुए हो, चाहे पंचायती राज के चुनाव हो, चाहे नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो, सभी जगह एक सार्थक उपस्थिति दर्ज कराई है और हर जिले के अंदर, हर चुनाव के अंदर सभी लोगों ने हनुमान जी बेनीवाल साहब को एक राजस्थान के तीसरी ताकत के रूप में इनका समर्थन दिया। हनुमान जी बेनीवाल साहब वो शख्स ऐसे हैं जिन्होंने प्रदेश के अंदर चाहे किसी भी कोने में किसी भी दलित के साथ में अत्याचार हुआ हो, आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर चाहे जालौर का इंद्र मेघवाल प्रकरण हो, चाहे बाड़मेर के इंद्र मेघवाल सदस्य की हत्या का प्रकरण हो, चाहे करनू नागौर के नाइक समाज का प्रकरण हो, चाहे थानागाजी का प्रकरण हो, दलित परिवार के साथ में अगर कहीं भी अन्याय हुआ हो और सबसे पहले प्रदेश के अंदर कोई आवाज़ आई तो हनुमान जी बेनीवाल साहब की आवाज़ थी कि इन दलितों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने अपने पूरे प्रयास किए। साथ ही किसान के बेटे हैं, किसानों के मान सम्मान के लिए, किसानों के अधिकार के लिए, किसानों को कर्ज मुक्त करवाने के लिए, किसानों को कृषि बिजली मुफ्त दिलवाने के लिए, प्रदेश को टोल फ्री करवाने के लिए जो इन्होंने व्यवस्था परिवर्तन का बीड़ा उठाया है, उस व्यवस्था के अंदर इन 75 साल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने बारी बारी से शासन किया और इस तरह से पूरा प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया कि मैं समझता हूँ गरीब को न्याय मिलना मुश्किल हो गया। ऐसी व्यवस्था जो अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इस व्यवस्था का परिवर्तन करने का संकल्प है वो हनुमान जी बेनीवाल साहब ने लिया है। हम पिछले साल यहाँ आए थे घर्षणा के अंदर, वकील साहब जो विजय जी सरोड़ा जी ने आत्महत्या की उस धरने के अंदर मैं भी शामिल हुआ था और मैंने उस वक्त देखा किस तरह से इस एरिया के अंदर एक ड्रग माफिया काम करता है और वो ड्रग माफिया पुलिस के संरक्षण में काम कर रहा है। सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है। हम सोच रहे थे, अभी नारायण जी ने बताया था कि हम बेवाड़ से आने वाले किसान ये सोचते थे कि गंगानगर हनुमानगढ़ के किसान हैं, साधन संपन्न हैं, पढ़े लिखे हैं, वहाँ कोई ऐसे अत्याचार की बात नहीं होगी। लेकिन बड़े शर्म के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जब जारोड़ा जी के धरने पे आए, जब हमें पता लगा
कि लोग तो यहाँ पुलिस और प्रशासन से डर रहे हैं साहब, डर के मारे धरने पे भी बहुत सारे लोग नहीं आ रहे, लोगों के साथ में बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा। तो इस टाइप की जो व्यवस्था है, जो कांग्रेस और बीजेपी ने 75 साल के अंदर एक भ्रष्ट व्यवस्था बना रखी है, इस व्यवस्था को परिवर्तन करने का संकल्प अगर किसी ने लिया है तो वो हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब ने लिया। आपने देखा होगा देश के अंदर किसानों ने हड़ताल की, देश की सबसे बड़ी हड़ताल थी जो 13 महीने तक चली, 700 किसानों ने साथ दी, लेकिन प्रदेश से 25 MP और सारे MP हमारे बीच से जब वोट मांगने आते हैं, जब ये निवेदन करते हैं हम किसान के बेटे हैं, हम आपके बीच में रहते हैं, हमें वोट दो, हम आगे जाकर आपके किसानों के हक की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उन 25 MP में से कोई भी MP किसान के साथ में खड़ा नहीं हुआ। इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर एकमात्र MP जो हनुमान जी बेनीवाल साहब, जिन्होंने संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी को कहा, मोदी जी हमारे किसान सड़कों पर बैठे हैं, मैं उस किसान परिवार से आता हूँ, मैं जब तक किसान सड़क पर बैठा है मैं संसद के अंदर नहीं बैठूंगा, अगर आप 10 दिन के अंदर किसानों की मांग स्वीकार करें अन्यथा मैं NDA से अपना गठबंधन तोड़ दूंगा। और उसी 10 दिन के बाद में उन्होंने सारी समितियों से इस्तीफा दिया, NDA से गठबंधन तोड़ा और उस साझापुरा बॉर्डर पर आकर किसानों के हित के अंदर 70 दिन तक उस कड़ाके की सर्दी के अंदर वहाँ धरने पर बैठे रहे। तो आप सभी लोगों को इस बात के लिए सोचना चाहिए कि हमारा व्यक्ति कौन है, हमारे किसानों के हक के लिए कौन लड़ रहा है, किसानों के मान सम्मान के लिए कौन लड़ रहा है, इस बात का फर्क आपको देख करना है, इस बात की जो है आप सभी को बैठ के मंथन करना है कि हमारा नेता कौन है। हमारा नेता वही होगा जो आपके तकलीफ के अंदर, आपके दुख दर्द के अंदर आपके बीच में रहे, आपके लिए लड़े। आपने देखा होगा अभी दिल्ली के अंदर हमारे पहलवान बेटियां जब वो पदक लेके आई थी, जब यही प्रधानमंत्री जी ये कह रहे थे कि हमारे देश की बेटियां हैं, हमारे देश का मान सम्मान है, इन्होंने हमारे देश के तिरंगा का मान सम्मान बढ़ाया, लेकिन वही मोदी जी और वही कैबिनेट एक भी शब्द उन बेटियों के सम्मान के लिए नहीं बोल पाए, दिखा रहे ऐसे प्रशासन और शासन को जो अपने बहन बेटियों की मान सम्मान के लिए नहीं बोल सकते। ऐसे नेता जो हमेशा किसान के मान सम्मान के लिए लड़े, आपके हक अधिकार के लिए लड़े, ऐसे नेताओं की पहचान करके आप 2023 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब को मजबूत करें, ताकि हमेशा आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकें, दलितों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकें, आपको मान सम्मान दिला सकें, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पुनः मैं यहाँ के आयोजन कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा, आप सभी लोग पधारे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब को सुनने के लिए आए, इसलिए आप सभी का पुनः आभार अभिनंदन स्वागत। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब आमंत्रित करने जा रहा हूं एक ऐसे महान शख्सियत को जो इस प्रदेश में बड़ी बड़ी सरकारों को हिलाने का काम करते हैं, इस प्रदेश के अंदर किसान नौजवान युवाओं माताओं बहनों को उनका हक और अधिकार दिलाने की बात करते हैं, सही को सही कहने का और गलत को गलत कहने की जिसके अंदर हिम्मत है, एक ऐसा इंसान जो पिछले 20-25 सालों से बिना रुके बिना थके बिना सोए हर एक इस प्रदेश के गांव गांव डाणी डाणी तहसील विधानसभा स्तर पर जाकर इस प्रदेश को जगाने का काम करते हैं, इस प्रदेश को खुशहाल प्रदेश बनाने की बात करते हैं, किसानों को कर्ज मुक्त बनाने की बात करते हैं, टोल मुक्त राजस्थान बनाने की बात करते हैं, युवाओं को रोजगार दिलाने की बात करते हैं, डायरेक्ट आम लोगों का ऊपर सरकारों से जुड़ाव हो ऐसी व्यवस्था बनाने की बात करते हैं,
बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान बनाने की बात करते हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। एक ऐसे इंसान जिन्होंने छात्र राजनीति से निकलकर लगातार बिना कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और दिन भर इस कुनबे को पढ़ाते गए, और आज ये जो मुकाम है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिस प्रकार दिन भर ये परिवार बढ़ता जा रहा है, इतने कम समय के अंदर जब से पार्टी की स्थापना हुई लगातार हर एक मुद्दे पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मजबूती से अपनी आवाज उठाई। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायकगण, कार्यकर्तागण, माननीय नेताजी हमेशा इस प्रदेश के हर एक मुद्दे को लोकसभा के अंदर जोरों शोरों से उठाते हैं, चाहे वो बड़े बड़े नेता हो, चाहे वो मोदी जी की सरकार हो, चाहे वो गहलोत जी की सरकार हो। अगर बेबाकी से उनसे कोई टकराव लेते हैं, उनको डरा धमका कर इस प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने का काम करते हैं, ऐसे ही हम सबके जन जन के लाडले आदरणीय सम्मान्य शेर राजस्थान उत्तरी भारत के किसान नेता, मैं तो कहूंगा कि सबसे बड़े नेता, माननीय सम्मान्य आदरणीय श्रीमान हनुमान बेनीवाल जी को आमंत्रित करता हूं। आप आए और अपनी ओजस्वी वाणी से हम सबको संबोधित करें, हम सबका मार्गदर्शन करें। ये सब किसान साथी, युवा साथी सुबह से पलक पावड़े बिछाकर आप सबका, भाई साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। आप आए और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय सम्मान्य धरती पुत्र, कहते हैं कि चलती हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, चलती हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, वरना धरती पुत्र कहलाना छोड़ देंगे हम। हम सबके लाडले, जन जन के लाडलिए शेर है राजस्थान आदरणीय श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल। सबसे पहले तो गढ़थाना के अंदर 4 घंटे देरी से आपके बीच आया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लंबा समय लग गया। आप देख रहे हैं इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार बनाने में लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी बैठे बैठे सत्ता हासिल करना चाहती है। एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है और सुबह 6 बजे कल आपने देखा होगा 7 बजे MDM अस्पताल जोधपुर था, 2 बजे तक बाड़मेर कलेक्ट्रेट, हर 2 दिन के अंदर एक हल्ला बोल करके जन हुंकार के माध्यम से गंगानगर हनुमानगढ़ से लेके अलवर डूंगरपुर तक किसान के बेटों को जगाने का कोई काम कर रहा है, किसानों को उसको हक और अधिकार दिलाने की बात कर रहा है, वो आपका भाई हनुमान बेनीवाल है। इसलिए रात और दिन लगते आते आते नागौर से निकला था, टाइम पर निकल गया, लंबी दूरी है और आपका इतना प्रेम आशीर्वाद है। और एक नया ट्रेंड आप लोग आजकल लाए हो, JCB लोडर, उससे डर लगता कई बार तो, लेकिन फिर भी आप मानते नहीं, ऐसा स्वागत सत्कार करते हो कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ जाती है स्वागत देख देख के। इसके लिए मैं गढ़थाना के, अभी वैसे तो गंगानगर जिला, लेकिन अब नया बन गया अनूपगढ़ जिला, गंगानगर और अनूपगढ़ के, हनुमानगढ़ के, बीकानेर के और समस्त राजस्थान के मेरे भाइयों का, आयोजनकर्ताओं का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने जानदार शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। हाँ, ये सही है कि जब मेरी शायद गढ़साना के अंदर बीकानेर की रैली के समय रात को 5 मिनट की मुलाकात थी, जब हमारे वकील साहब विजय सिंह जोरड़ जो पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे थे, दुर्भाग्य से पुलिस ने इतना प्रताड़ित किया उनको कि उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, उनका भरोसा न्याय से उठ गया और उन्होंने जान दे दी। उस समय मेरे 3 विधायक गढ़साना के अंदर आए थे, दुर्भाग्य से जो सरकार का समझौता था उस समझौते से सरकार अभी पूरा समझौता नहीं कर पाई। जिन पुलिस अधिकारियों के नाम थे सुसाइड नोट के अंदर, जिन लोगों के नाम थे, और
मुआवजे की जो बात थी, नौकरी की बात थी, वो अटकी हुई है। मैं एक डेलीगेशन लेके प्रदेश की सरकार से मिलूंगा, इनके पिताजी को, वकील साहब के, और पूरा बार संघ जो यहाँ बैठा है, क्योंकि मैं भी आपका ही भाई हूँ, मैंने वकालत तो नहीं की लेकिन वकील हूँ मैं, LLB किया हुआ हूँ, लो कॉलेज का अध्यक्ष भी हूँ, रजिस्ट्रेशन भी कराया था आपको, वोट देने के लिए चुनाव होते हैं, तो मेरा हमेशा वकीलों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर आप देखते हो, सड़क से लेकर विधानसभा तक जितने भी आंदोलन हुए वकीलों के, उसमें हनुमान बेनीवाल वकीलों के लिए ऐसे लड़ता है, क्योंकि मैं मानता हूँ मेरे भाइयों की लड़ाई है, और मैं प्रयास हमेशा करता हूँ। विजय सिंह जी के परिवार को जो कमिटमेंट सरकार का था वो पूरा कराएंगे, दोषी जो भी है उनको जेल के अंदर डलाएंगे, और पूरा जो भी कमिटमेंट हुआ वो पूरा कराएंगे। उनको मैं नमन करता हूँ, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो बहुत बड़े योद्धा थे, नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया, और हमें यह अभियान हमारे भरोसे छोड़ के हमें छोड़ के चले गए। वो तो उनकी पूर्ति तो नहीं हो सकती, वापस नहीं आएंगे, लेकिन उनके बताए हुए सपनों पे नशा मुक्त हमारा अनूपगढ़ का इलाका हो, गंगानगर हो, हनुमानगढ़ हो, राजस्थान पूरा नशा मुक्त हो। मैं नौजवानों से अपील करूँगा कि आप अगर मुझे अपना भाई मानते हैं, हनुमान बेनीवाल को अपना आइकन मानते हैं, तो नशा नहीं करना है। आपको तय करके जाना है कि नशा बर्बाद कर देता है। अगर किसी पिताजी का कोई इकलौता बेटा हो और वो नशे के अंदर वाहन चलाए, उसकी मौत हो जाए या नशा करके कहीं डूब जाए या गिर जाए, तो परिवार का अंत हो जाता है। दो तीन कमिटमेंट मैं नौजवानों से लूँगा। एक तो नशे से हमें दूर रहना है। ये हनुमानगढ़ गंगानगर के वो इलाके हैं जहाँ पंजाब के रास्ते नए नए नशे यहाँ पर आते हैं। आजकल तो इसमें एक MD सिंथेटिक नशा पता ही रहता, खाने के बाद वो अपने परिवार वालों को भी मार देता, ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। हमें बॉर्डर के लोग हो आप, आपकी बहुत चिंता रहती है, और आपकी मजबूती इसलिए आवश्यक है कि भाई दबे कभी पाकिस्तान से लड़ना भिड़ना पड़ जाए, आप नशे में मिलोगे तो लड़ाई कौन लड़ेगा, इसलिए नशे को छोड़ना है। और एक प्रण ये लेके जाना है, वैसे आज एक प्रण पूरा किया मेरे साथ चलने वालों ने, मैंने कहा भाई 60-70 से ज़्यादा गाड़ी कोई नहीं चलाएगा, एक घंटा दो घंटा ज़्यादा लग जाएंगे, तो नागौर से लेके गढ़साना की जो दूरी है वैसे हम 3 घंटे में पूरी कर लेते, लेकिन 5.5-6 घंटे लगे। ईश्वर की कृपा है, जो तो 2 दिन पहले बाड़मेर के अंदर नौजवान जिस स्पीड से चल रहे थे और जो हादसा हुआ वो चिंताजनक था, दुखदायी था हम सबके लिए, आपके लिए, और जवान जिसकी ताकत हमें राष्ट्र के निर्माण के लिए चाहिए, जवान इस व्यवस्था को बदलेगा, वो जवान ही थे तांत्या टोपे, मंगल पांडे, भगत सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया था, वो जवानों की ताकत थी, वो गरम दल था जिसको देख के अंग्रेज भाग गए थे। हमारा जवान अगर कमजोर हो गया हम लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। देश की सीमाएं अगर सुरक्षित है जवानों के भरोसे, देश सुरक्षित है जवानों के भरोसे। इसे नशा छोड़ के 2-3 चीज का ध्यान रखें, नशे में गाड़ी नहीं चलाएंगे, और गाड़ी की स्पीड अगर कोई नौकरी में देरी हो जाए, कहीं फार्म भरना होता तो 10-15 ज़्यादा बढ़ा लो, लेकिन 60-70 तक स्पीड रखनी है ताकि आपको जान से हाथ नहीं धोना पड़े। भाइयों में एक पढ़ रहा था अखबार जिसके अंदर लिखा हुआ था 98% एक्सीडेंट में जो मौतें होती है वो नशा, नींद और तेज वाहन तेज गति से चलाने के कारण 98% मौतें होती है। हम उनको बचा सकते हैं, उन परिवारों को बचा सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये प्रण आप लोग शपथ लोगे कि हमारे भाई ने हमें कहा है कि हमें सही दिशा के अंदर चलना है, नशा एक ही चीज़ का रखना है कि कांग्रेस को भगाना है, भाजपा को आने नहीं देना है, और तीसरे फ्रंट और RLP की सरकार राजस्थान के अंदर बने, ये मैं गढ़साना के अंदर अपील करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। गढ़साना जो आंदोलनों के लिए मशहूर है, यहाँ के किसानों ने कभी हिम्मत नहीं हारी, एक तरफ पाकिस्तान का खोप, एक तरफ सरकारों की अनदेखी, हनुमानगढ़ गंगानगर अब जो अनूपगढ़ जिला बना, 50 साल से सरकार उपेक्षा कर रही इन जिलों की, यहाँ के जो नेता जीत के जाते हैं वो एक ही काम करते हैं कि उनका परिवार कैसे आगे बढ़े। व्यापारी है वो, नेता नहीं है, व्यापार करते हैं, इसलिए आप धीरे 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 जो मूलभूत समस्याएं हैं वो पीछे रह गई और हमारा ये इलाके पीछे रह गए, और आपको मजबूर आंदोलन करना पड़ा। मुझे याद है वसुंधरा की सरकार का 2004-05 का समय, जब शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे किसानों पे गोलियां बरसाई थी और आधा दर्जन से ज़्यादा किसान के बेटे हंसते हंसते
गोली सीने पे खा के शहीद हो गए और इस भारत के अंदर गढ़साना का नाम हो गया भाइयों। लेकिन वो कमी, वो व्यक्ति हमारे बीच से चले गए। हमें लड़ना तो सिखा दिया, जिस तरह पुलिस की गुंडागर्दी थी वहां पे, जो एक्शन सरकार को लेना चाहिए था वो एक्शन नहीं लिया। नाम मात्र की जांच कमेटी हम बिठा के, नाम मात्र की बात करके, हमें एक एक नौकरी से खुश करके, जिन लोगों को जो सच्चाई के लड़ रहे थे उनको मौत के घाट उतार दिया। जलियांवाला बाग की तरह सोलह गढ़साना, और उसके बाद जिस तरह 72 से ज्यादा गुजरों को वसुंधरा ने मारा था, वो काला इतिहास था, वो याद रहेगा। राजस्थान की विधानसभा के अंदर हमेशा मैं गढ़साना के गोलीकांड की चर्चा करता था कि हमारे भाइयों ने शहादत दी आपके लिए, खुद के लिए नहीं दी, आपके लिए दी। लड़ाई लड़ रहे थे, पानी पूरा पानी मिले रावला गढ़साना को। पोंग बांध जब बना था उस समय जो विस्थापित थे उनको यहां पर जमीनें दे दी, लेकिन 6A लगा के ये कह दिया कि वो जमीन की रजिस्ट्री नहीं करा सकते किसी दूसरे के नाम। क्या कश्मीर है क्या है बताओ मुझे? क्या धारा 370 है? जब देश से धारा 370 हटा दी तो 6A क्या है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जल्दी 6A को हटा देंगे और आपके लिए जो आप चाहते हैं गढ़साना रावला के अंदर, ये तोहफा भी इस राजस्थान की निकम्मी नकली सरकार से चुनाव से पहले पहले करवाने का पूरा प्रयास मैं करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि लोकसभा के अंदर एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है आपके लिए, मेरा इलाका सिंचित नहीं है। हमने तो अकाल के साये के अंदर पहले अंग्रेजों का राज, फिर जागीरदारों का राज, फिर अकाल का साया और नेताओं का धोखा, उसके बाद भी रुके नहीं। अब शिक्षा की आंधी शेखावटी अंचल के बाद मारवाड़ के अंदर आई है, हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे आ रहे हैं नौकरियों के अंदर। भाइयों मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके इस इलाके को भी आगे लेके आएंगे हर मामले के अंदर। हो सकता है कि मैं आपके बीच आज सभा संबोधन करने के लिए, बड़ी सभा संबोधन करने के लिए पहली बार आया हूं, लेकिन आप मेरे दिल के अंदर हो, हमेशा देखते हो। छोटी सी तकलीफ रावला गढ़साना अनूपगढ़ रायसिंह नगर या राजस्थान के किसान के बेटों के सुई भी चुभती है तो तकलीफ हनुमान बेनीवाल महसूस करता है। और विधान लोकसभा के अंदर आपने देखा होगा कि मोदी के साथ गठबंधन करके सत्ता का आनंद ले सकता था, जब देश में किसान आंदोलन चला, देश के किसान तकलीफ के अंदर थे, देश के किसान जब हरियाणा पंजाब से दिल्ली के चारों तरफ को यूपी चारों तरफ से घेर के बैठे थे, तो किसानों ने एक बात कही थी कि हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, अगर आप मोदी को छोड़ दो और NH-8 जाम कर दो जो गुजरात जयपुर और दिल्ली को जोड़ता है तो बहुत बड़ा दबाव बनेगा और मोदी को झुकना पड़ेगा। मेरी पार्टी देश की सबसे नई पार्टी थी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, तो सत्ता का आनंद ले सकता था। जिस तरह 70 साल तक हमारे नेताओं ने जी हजूरी करके सत्ता का आनंद लिया और आप पीछे रह गए, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आप मेरे से मुझे कह रहे हो आप मेरे भाई हो और भाई के भाई काम नहीं आएगा, कौन आएगा? मैंने मोदी की सत्ता को ठोकर मार के उस NH-8 को जाम किया और NDA छोड़ के 70 दिन अगर सड़क पर देश का कोई सांसद बैठा, वो नागौर का सांसद था जो किसान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था, किसान के मान की लड़ाई लड़ रहा था। भाइयों उसके बाद अग्निपथ योजना आई, सेना को ठेके पे दे दिया, सेना के अंदर कौन लोग हैं? रेजिमेंट खत्म करने की साजिश प्रधानमंत्री की, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, हमारी राजपूताना राइफल, गोरखा मद्रास, जिन लोगों के इतिहास से आज हमें प्रेरणा मिलती है, जिन लोगों का इतिहास पढ़ के आज लोग आर्मी के अंदर जाना चाहते हैं, सेना को ठेके पे देने का एक ही मकसद था कि इनका इतिहास खत्म कर दो, इनको पूरा इतिहास ही दूसरा पढ़ा दो ताकि अपने आप घूमते रहे। भाइयों जब सेना के अंदर जवान सिख रेजिमेंट का लड़ाई लड़ता है वार कराई के समय तो अपने झंडे और नारे के साथ चलता है, जो बोले सो नियाल सत श्री अकाल सिख रेजिमेंट वाले, उसके बाद सामने कितना ही पहाड़ पर्वत हो चढ़ जाता सिख रेजिमेंट, जय भगवान जाट बलवान, चले जाते जाट रेजिमेंट के योद्धा।
अमेरिका के अखबार के अंदर छपा था कि कारगिल की लड़ाई के अंदर 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी पे 50 किलो बारूद और AK-47 लेके दुश्मनों को कोई मार रहा था, वो जाट रेजिमेंट का जवान था। ये वो रेजिमेंट है जिनसे इतिहास बना है। प्रधानमंत्री जी, आप इतिहास को बदल नहीं सकते, ज्यादा इतिहास को बदलने का प्रयास करोगे तो आप खुद ही बदल दिए जाओगे। यहाँ बहुत से प्रधानमंत्री हुए चले गए इंदिरा गांधी के समय, इमरजेंसी लगा के इंदिरा गांधी ने जिस तरह लोगों की जबरन नसबंदियां इस देश के अंदर की, और दोबारा क्या हुआ, इंदिरा गई, इंदिरा को जेल जाना पड़ा। मोदी जी, रोजगार दे नहीं रहे हो, सिर्फ झगड़े करा के आपस में। मैंने देखा दोनों बार जो चाइना बॉर्डर पे भारत और चाइना की सेनाओं के बीच जो झड़प हुई थी उसमें भारत बैकफुट पे आया था, हमारी बेइज्जती हुई थी। चीन ने हिम्मत की, दुस्साहस किया, क्या कर लिया प्रधानमंत्री ने, मीडिया में बात फैला देते हैं, सोशल मीडिया लेके आगे अपने हिसाब से चलते हैं। टूटा फूटा विपक्ष है, विपक्ष में राहुल गांधी है जिसकी लोग मजाक उड़ाते हैं, कोई पप्पू कहता है, कोई गप्पू कहता है, किस तरह का हालात इस देश के अंदर बन गए बताओ, तो जाएगा कहाँ आदमी बताओ मुझे। लोगों के पास विपक्ष नहीं है, अगर विपक्ष होता तो इस तरह 50 दलों को एक जगह नहीं बैठना पड़ता। कांग्रेस इस देश के अंदर सबसे बड़ी राज की हुई पार्टी थी, कहाँ चली गई, धीरे धीरे हाशिए पर चली गई। प्रधानमंत्री ने ERCP की जो राजस्थान में लाने की बात थी, ईस्टर्न कैनाल परियोजना, उससे हमारे भरतपुर धौलपुर से लेकर हाडोती तक जयपुर तक के 13 जिलों में सिंचाई और पीने के पानी की व्यवस्था हो सकती है, अगर उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दे राजस्थान सरकार, दोनों मिलकर करें। अब तो मोदी जी का तो पूरा चल रहा है हर चीज के अंदर, क्यों नहीं कर रहे हैं। 24 MP नहीं बोलते बीजेपी के, एक व्यक्ति बोलता है ERCP राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दो, अग्निपथ खत्म करो, पूर्व की भांति सेना भर्तियां रैलियां करो हमारे छोटे भाइयों की, क्योंकि आज अगर देश सुरक्षित है इन किसान के बेटों की वजह से सुरक्षित है। मोदी जी, आपने लड़ाई थोड़ी लड़ी थी देश के बॉर्डर पे, उन कौमों ने लड़ाई लड़ी थी। और तो और आप देखिए कितनी हीन भावना है कि वो पहलवान जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाते हैं, जब वो लड़ते हैं, जब वो मैदान के अंदर जूझते हैं, वो जब खेलते हैं वो ये नहीं देखते कि मेरी जाति क्या है, वो तिरंगे के साथ दौड़ते हुए चाहते हैं कि गोल्ड मेडल मिले, मेरे देश का सम्मान हो। उन बच्चों को न्याय के लिए जंतर मंतर पे किस तरह लड़ना पड़ रहा है, देश का कोई सांसद नहीं गया। अगर जंतर मंतर पे सबसे पहले जाके किसान के बेटे बेटियों की पैरोकारी में कोई खड़ा हुआ, नागौर का सांसद था जिसने राजस्थान में प्रदर्शन कराए, और इस नई लोकसभा के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार अगर किसी ने उन पहलवान बेटियों के लिए किया तो नागौर के सांसद, इस राजस्थान के सांसद और आपके भाई हनुमान बेनीवाल ने किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी एक आदत है, कोई बात पकड़ लेता हूं उसको छोड़ता नहीं। पहलवान अपनी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकसभा का सत्र आएगा मजबूती से मामला उठाएंगे। जिन पहलवान बच्चों को जिस तरह लाठीचार्ज करके, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान थे, अर्जुन अवार्डी थे, उनको जेलों में ठूंस दिया। मैं वहाँ उस समय भी गया था, आपने देखा होगा सोशल मीडिया का जमाना है कि एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, वो घड़साना के गांव के लिए भी लड़ रहा है और वो हमारे पहलवान भाइयों के लिए दिल्ली में भी लड़ रहा है, वो डूंगरपुर के किसी आदिवासी भाई के लड़ रहा है, तो खाजूवाला की दलित बहन की लड़ाई भी हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है, वो सर्व समाज की लड़ाई लड़ रहा है, वो एक समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। मैं सर्व समाज से अपील करता हूँ, आप अपने अपने नेताओं को मेरे साथ क्यों नहीं भेजते लड़ने के लिए, मैं अकेला ही क्यों लड़ूं सबकी लड़ाई बताओ मुझे। अगर स्टेट हाईवे टोल फ्री होता है क्या मेरे समाज का होगा, अगर टोल मुक्त बात होती है तो क्या एक समाज की बात होती है, सारे समाजों की बात होती है। बिजली फ्री होती है, हर किसान की बिजली फ्री होगी। भाइयों, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होती है तो हर समाज की पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होगी। अगर बजरी सस्ती होती है और फ्री मिलती है वो प्रत्येक समाज को मिलेगी, एक समाज को नहीं मिलेगी। कुछ माफिया के नौकर और कुछ जो लोग नौकरी करते हैं, अगर 5-50 लोग ऐसे कह दें कि हनुमान जी को हम रोक देंगे, मेरे को रोकने की ताकत इस राजस्थान में किसी में नहीं है। मैं किसी समाज का विरोध नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस राजस्थान में 36 कौम को उसका हक और अधिकार मिले। मेरी जाति का कोई व्यक्ति अगर अन्याय करता है
मैं उसके खिलाफ भी खड़ा मिलता हूँ। आपको इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि खाजूवाड़ा प्रकरण के अंदर शायद एकाध दोषी हमारे समाज का भी होगा उसके अंदर, तो वो भी मैं चाहता हूँ सलाखों के पीछे जाए। हनुमान बेनीवाल ने कभी एक कौम की लड़ाई नहीं लड़ी, और तो और इस इलाके में तो आपने घड़े निर्दलीय MLA बनाए, अलग अलग पार्टियों से बनाए, लेकिन इस राजस्थान में इतनी किसानों की तादाद होते हुए भी कोई किसान नेता खुद की पार्टी नहीं बना पाया। झंडा बदलते थे, कोई हरियाणा से झंडा लाता था, कोई UP से लाता था, कोई दिल्ली से लाता था, कांग्रेस छोड़ के भाजपा में घुस जाता था और भाजपा छोड़ के कांग्रेस का दामन थाम लेता था। अगर इस राजस्थान के सम्मान की लड़ाई किसी ने लड़ी, नौजवानों को किसानों को सत्ता का रास्ता अगर किसी ने दिखाया, तो नागौर के सांसद ने नई पार्टी बना के उसको मान्यता दिलाई और ये बोतल का चिन्ह रिजर्व कर दिया। ये वो बोतल है जिसके अंदर शुद्ध स्वच्छ पारदर्शी पानी है, गंगा जी का जल मान लो इसके अंदर। इस बोतल के पानी से मैं BJP और कांग्रेस का सारे गंदगी और भ्रष्टाचार इस राजस्थान से साफ करके इनको भगाना चाहता हूँ राजस्थान से। ये बोतल का चिन्ह आपके बीच लेके आया हूँ भाइयों। यहाँ पानी को लेके बहुत बड़ी समस्या है। मुझे पता है जब आंदोलन हुआ था गढ़साना के अंदर, जब हमारे आधा दर्जन लोगों ने शहादत दी जयपुर की सेंट्रल जेल के अंदर, बीकानेर अजमेर जोधपुर के अंदर अलग अलग जेलों में तमाम किसान नेताओं को किस तरह तंग किया गया था, परेशान किया गया था। उस समय विधायक नहीं था, हार गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर BJP के अंदर चला गया था मैं, और उन नेताओं से जेलों के अंदर मैं रोज मिलने जाता था, और उन्होंने जो कहानियां बताई जेलों के अंदर, अंग्रेजों के समय जो अत्याचार हुए वैसे ही अत्याचार जेलों में हमारे उन भाइयों के साथ उस समय हुए थे। हमें इन चीजों को भी याद रखना है कि जिन लोगों ने हमारे साथ अन्याय अत्याचार किया उन्हें दोबारा मौका इस जगह नहीं मिले, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हमारा नहरी क्षेत्र का इलाका है, कहने को तो राजस्थान में ये बात चलती है कि हनुमानगढ़ गंगानगर का जमींदार सबसे बड़ा है, आर्थिक स्थिति मजबूत है, लेकिन हम तो जानते हैं जब मैं विश्वविद्यालय की राजनीति करता था तो यहाँ के किसान के बेटे बेटे राजस्थान विश्वविद्यालय में भी मेरा साथ देते थे। आज जमीनों की जो जोत थी वो छोटी हो गई, किसी के 100 बीघा जमीन थी, दो भाई बटवार हुआ 50-50, बेटों का हुआ 25-25, एक एक मुरबा जमीन किसानों के पास रही है, और उसके अंदर भी अगर समय पर पानी नहीं आए वो क्या करेगा। अभी हनुमानगढ़ के अंदर पिछले दिन जो आंदोलन चला, राजस्थान सरकार ने जानबूझ के नहरबंदी करी इस मौसम के अंदर, चाहते तो सर्दी के अंदर कर सकते थे, नहरबंदी करके किसानों को परेशान किया। आपका भाई आया और पहली बार इस राजस्थान के किसानों का प्रतिनिधिमंडल अगर पंजाब के मुख्यमंत्री से सीधी वार्ता करने के लिए गया, वो नागौर का सांसद था, उन सबको लेके पंजाब के CM के साथ बिठा के वार्ता कराई, वार्ता सफल हो गई थी। दो दिन पानी चला, कांग्रेस के पेट में दर्द हुआ कि तो हनुमान बेनीवाल को क्रेडिट मिल गया सारा, हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के अंदर पानी रोके कैसे, वहां संदेश पहुंचाया कि तुम्हारा पानी राजस्थान वाले ले जा रहे हैं, वहां की कांग्रेस उठ के खड़ी हो गई, अकाली दल खड़ा हो गया कि राजस्थान को पानी मत दो, पानी रोको। भाइयों दो दिन पानी रुकवा दिया, ईश्वर की कृपा थी, बढ़िया बारिश आ गई और बाद में पानी भी चल गया। ये कांग्रेस पार्टी का चेहरा बता रहा हूं आपको। आज रात कैंप चला रहे हैं अशोक गहलोत, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हमसे हमें सबसे बड़ी राहत चाहिए बजरी के मामले में, आपको भी तो बजरी की आवश्यकता होती होगी, बजरी तो लाते ही होंगे आप लोग, रेत का भी पैसा ले रहे हो, बजरी का ले रहे हो, नदी नाले खोद दिए, ट्रक पकड़ा गया 5 लाख, ट्रैक्टर पकड़ा गया 2 लाख, कहाँ से लाएगा एक किसान 2 लाख बताओ मुझे। आप बजरी का ठेका निरस्त करो राजस्थान के अंदर, हमें बजरी की माइंस चाइना के लिए जिप्सम सैंड स्टोन लाइम स्टोन जो हमारे खेत में निकलता है वहां उसको माइंस का अधिकार दें, खनिज नीति में बदलाव करें गहलोत जी, ये काम आपको करना होगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी जो बजरी माफिया का आतंक है चुप क्यों बैठी है,
क्योंकि बीजेपी के नेता तो बजरी माफिया जेब में लेके घूम रहा है, वसुंधरा की सरकार चलाता था, गहलोत की सरकार चला रहा है। यह सबसे बड़ा घोटाला आज तक का। हम ईडी दफ्तर का घेराव करेंगे, सारे मामले को ईडी पे लेके जाएंगे, इसमें कांग्रेस और बीजेपी के बड़े बड़े नेता नप जाएंगे, आप देखना। मैंने पहले ही आपको कहा था, मेरी एक आदत है, पीछे पड़ता हूँ उसको छोड़ता नहीं, कितना ही बड़ा हो जेल तक ले के जाता हूँ उसको, एक बार जेल की हवा खिलवाता हूँ, बाद की मेरी गारंटी नहीं है, बाद में तो कोर्ट कचहरी बरी कर दे, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन हनुमान बेनीवाल प्रयास करता है, और ये प्रयास का ही परिणाम है कि आज हम सब लोग एक जगह कहीं कहीं बैठ के चिंता कर रहे हैं। रावला गढ़साना के अंदर भी आप लोगों ने मेरी चिंता करी, गढ़साना को नगर पालिका बनाने का एक मामला भी आया, कॉलेज खोलने की बात भी आई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कल ही गढ़साना का कॉलेज नगर पालिका के लिए हमारी तरफ से हम लेटर भी लिखेंगे और सरकार को जगाएंगे, नींद से उठाएंगे कि गढ़साना में महाविद्यालय खोले और गढ़साना को नगर पालिका आप लोग बनाएं। ये मैं हमारा जो ज्ञापन इसके माध्यम से भी हम दे रहे हैं। एक जो नए पद है मेडिकेटेड नशे पर रोकथाम कैसे रहेगा, तो ये मैंने पहले आपको बता दिया था। डेवलपमेंट इस इलाके का बहुत ज्यादा नहीं हो रखा है, सड़कों की स्थिति ठीक नहीं, अब की बार तो फिर भी मैं लंबे समय बाद आया तो सत्ता सर छत्तीसगढ़ से लेकर गढ़साना पहुंचने में कम समय लगा, अभी तो दो साल पहले तक तो ये स्थिति थी कि कहते थे गढ़साना जाना, तो कहते यार नहीं छोड़ो ऐसे ही काम चला लो फोन से ही, कौन जाएगा, 10-12 घंटे लगेंगे, नई गाड़ी लेके जाओ तो टूट जाती गाड़ियाँ, यहाँ आते थे, जबकि आपके यहाँ से MP तो बीकानेर वाले आते ना, MP हैं तो वो तो दिल्ली में लगातार मंत्री हैं और उनकी फ़ोटो तो हमेशा मोदी के पीछे ही रहती है, देखा नहीं आपने उनकी फ़ोटो, वो फोटो के मामले में मास्टरी उनकी, हिलते ही नहीं अपनी जगह से, जब तक टेलीविजन चलेगा सुबह से शाम तक बैठे रहेंगे। और लोगों को ये भी कहते हो कि मैं ही चला रहा हूँ लोकसभा, मैं नहीं हूँ तो लोकसभा नहीं थे, लोग मान भी लेते हैं, अरे बोला अपना साहब TV में आते ही चलाता हूँ लोकसभा। ये हालात है भाई प्रदेश के देश के, क्या करोगे आप बताओ। खाजवाड़ा के अंदर जिस दलित बालिका के साथ रेप के बाद हत्या की घटना हुई, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन जिस CI को हटाया, जो पुलिसकर्मी दोषी है, उसके अंदर एक बात नहीं निकल के आई है कि उस बालिका को थाने में भी बुलाते थे और थाने में नशे के अंदर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में डांस करवाया जाता था उस बच्ची से। इससे घिनौना करते नहीं हो सकता इस राजस्थान के अंदर। गहलोत जी कहाँ घूम रहे हो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज लेकर पर्यटक की भांति, ये तो राजस्थान आपका देखा हुआ है, पर्यटक की भांति घूम रहे हो, आपको दिख नहीं रहा गढ़साना का थाना गाजी का, दूसरी हमारी जो बहन बेटियां जिनकी इज्जत आज सराम लूटी जा रही है, एम्बुलेंस में बलात्कार, थाने में बलात्कार, बच्चियां सुरक्षित नहीं, मासूम सुरक्षित नहीं, छोटे बच्चे सुरक्षित नहीं, हम किससे अपील करेंगे। गांव ढाणी के अंदर बैठे लोग जो ढाणियों में रहते हैं, दंदनाते हुए बदमाश आते हैं, गोलियां चला के मार के चले जाते हैं, ये गैंगवार की घटनाएं क्यों बढ़ी राजस्थान के अंदर, कौन जिम्मेदार है? वसुंधरा गहलोत जिम्मेदार है। 23 साल अगर इस माफिया राज को पनपाया, दोनों सरकारों ने पनपाया, और गहलोत ने यह कहा था अभी कि मेरी सरकार तो वसुंधरा ने बचाई थी, ये आपने सुना था कि नहीं सुना था कि अगर वसुंधरा नहीं होती तो मेरा राज चला जाता। ये गहलोत वसुंधरा की जो दोस्ती आपस के अंदर, इससे बहुत बड़ा नुकसान इस राजस्थान को हो रहा है। भाइयों मैं एक बात आपको और कहूंगा, या जो बॉर्डर लग रहा है अपना, इस बॉर्डर तक खोदते खोदते आपके यहां पे जो कोलाई क्षेत्र था, जिप्सम को खोदते खोदते बॉर्डर तक चले गए। एक हमारा सीमावर्ती इलाका है, इसमें जो भी अनुदान मिलते हैं वो यहां नहीं मिल रहे हैं। एक ये टोल का मामला आया, कोई अभी बुला लेंगे उनको, SDM डिप्टी कोई होंगे, ये टोल तो राजस्थान के अंदर हम टोल मुक्त की बात कर रहे हैं कि टोल मुक्त राजस्थान हो, स्टेट हाईवे टोल फ्री हो और नेशनल हाईवे टोल फ्री मोदी अमित शाह ये करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पूर्ववर्ती जो हमारा 18 का संघर्ष था उसमें इस संघर्ष का ही परिणाम था कि वसुंधरा ने नौजवानों को राजी करने के लिए स्टेट हाईवे टोल फ्री किए, 500 की बिजली फ्री की थी। इस टोल को तो हम 20-25 किलोमीटर का जो इनका दायरा है, जितने भी गांव आते हैं
उनको तो फ्री कराएंगे कराएंगे, आज करा के ही जाएंगे, लेकिन दूसरा स्टेट को टोल मुक्त कराएंगे, प्रदेश को फ्री बिजली दिलाएंगे। मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहूंगा, आपके राहुल गांधी आए थे 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, नहीं किया, बीजेपी कर दे, उनको कौन रोक रहा है? दिल्ली में बीजेपी की सरकार है ना, वो आरोप क्यों लगा रहे हैं? मोदी जी भेज दे पैसा, यहाँ बहुत पैसा इकट्ठा किया, दिल्ली वालों ने कौन सा पैसा कम इकट्ठा किया बताओ मुझे? कभी कोई सा नोट बंद कर दिया, कभी कोई सा नोट बंद कर दिया, चाहे जैसी योजनाएं लाए, बोलने वाला कोई है नहीं। देश को कहां कहां, जहां पहले ज्यादा लोग घोटाले करते थे, अब 2-3 लोग ही हो गए, अडानी जी आ गए, अंबानी आ गए, 2 ही लोगों को फायदा पहुंच रहा है। पूरा आप देखिए, पूरे देश का जो बिजनेस है वो 2 ही व्यक्तियों के हाथ में है देश के अंदर, और वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो भाइयों, मैं मांग करूंगा कि अनूपगढ़ गढ़साना का जो टोल है उसको आज ही इस टोल को फ्री किया जाए। कुछ दूध के मामले का एक ज्ञापन भी मेरे पास आया है, जो भी राजस्थान की सरकार ने 5 रुपये प्रति लीटर, मुख्यमंत्री ने अलग से सब्सिडी देने की बात की थी, उसमें कुछ भाइयों का पेमेंट अटका हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आज ही हमारा कागज चला जाएगा, आवश्यकता पड़ती तो 2 आदमी 2-3 दिन बाद दोबारा मेरे से मिल लेना, जितना भी पेमेंट आपका अटका है, जितना ही भुगतान है, वो सारा मैं कराऊंगा, ये मैं विश्वास आपको भी दिलाने के लिए आया हूँ। एक रेलवे लाइन का बड़ा मुद्दा, मुद्दे तो बहुत है राजस्थान के अंदर, सारे मुद्दे तो जब खत्म हो, जब हमारी सरकार बन जाए, हाथों हाथ ही खत्म कर देंगे मुद्दों को, ठीक है, लेकिन प्रयास करेंगे कि रेलवे लाइन का जो मुद्दा है अनूपगढ़ गढ़साना रेलवे में बहुत पिछड़ा हुआ है, सही बात है, और रेल होनी भी चाहिए बॉर्डर का इलाका। मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ भी आपकी रेल चले, और आप जिन मुद्दों को लेके ज्ञापन हमारे लोगों ने आपको पढ़ के सुनाया होगा, ज्ञापन सड़कों की स्थिति का मैंने बता दिया, 2450 पानी जो 6 माह के लिए रिजर्व किया जाए, अपनी डिमांड है, बात करेंगे। खरीदारी को लेके, फसल बीमा को लेके बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको दूर हम कराएंगे। अभी एक हमारा सांकेतिक ज्ञापन सरकार को जाएगा, ये जो 5 महीने का समय है इसमें आपको इस बार ये तय करना है, 75 लाख नए मतदाता राजस्थान में जुड़े हैं, कितने? 75 लाख वो पहली बार वोट डालेंगे राजस्थान के अंदर। अगर वो 75 लाख ये तय कर ले हमें भ्रष्टाचारियों को वोट नहीं देना है, भाइयों हमारी सरकार राजस्थान के अंदर बन जाएगी, पहले से दूसरे जमान तो तैयार ही बैठे, वोट तो 2018 के अंदर 80 लाख वोट हम लोगों ने लिए थे थर्ड फोर्स ने मिला के, हम सब संगठित हो जाए और ये 75 लाख जवान ये तय कर ले कि हमारा वोट भ्रष्टाचार के खिलाफ जाएगा, क्योंकि हर क्रांति का नायक नौजवान था, जवान जिधर चलता है उधर जमाना चलता है। हनुमानगढ़ गंगानगर जहां की 11 सीटें इस राजस्थान की 30 सीटों को प्रभावित करती है, आप अपनी ताकत को पहचानो, आपको अपनी ताकत याद दिलाने, आपका भाई हनुमान आपके बीच आया है, आप किसान हो, संघर्ष कर रहे हो, मैं किसान का बेटा हूं, 20 साल सत्ता छोड़ के सड़क पे अगर आपके साथ कोई बैठा जिसने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी, जिसने वसुंधरा से दुश्मनी लेके अपने परिवार अपने कई लोगों को खो दिया, जिसने इस गहलोत के बेटे को हरा के संदेश दिया जो भी हमारे रास्ते में बाधक होगा उसे घर बिठा देंगे, ऐसे लड़ाके योद्धा बार बार नहीं मिलेंगे। इस पार्टी को मजबूत करें, ये पार्टी आपकी है, ये पौधा है, इस पौधे को सींच के वट वृक्ष बनाए, ये देश की सबसे नई पार्टी है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अनूपगढ़ से आज गंगानगर के अंदर जबरदस्त जोरदार एंट्री आप लोगों ने आरएलपी पार्टी की कराई है। मैं दोबारा फिर आपके बीच आऊँगा, जिन जिन बातों की हमने यहाँ पर रखी है, जो जो कमिटमेंट है वो हम पूरे करेंगे। हमारी लड़ाई इस राजस्थान को बदलने की है। अभी हमारे तीनों विधायकों ने आपको बात कही थी कि थाने तहसील का जो डर आज़ादी के 70 साल बाद भी, और थानेदार तहसीलदार से बात करते हैं वहाँ हम गरीब आदमी डरता हाथ जोड़ के बात करता है,
ये डर अपराधियों का अंदर रहना चाहिए। गरीब के मन में पुलिस का विश्वास और अपराधियों में खौफ उल्टा चल रहा है। अपराधी तो थानों में दारू पीते हैं और गरीब आदमी थाने में जाने डरता है, कहीं थानेदार रात को पकड़ नहीं ले 151 में छोड़ेगा नहीं सुबह तक, और नहीं दो दिन जैसी कर दे बोले भाग यहां से क्यों घूम रहा रात को। ये जो व्यवस्था है इस व्यवस्था को कौन बदलेगा बताओ मुझे? अब कोई लोक देवता तो अवतार नहीं लेंगे इस व्यवस्था को बदलने के लिए। आप कोई व्यवस्था बदलनी है वोट की चोट से तो व्यवस्था बदलने के लिए आप RLP पार्टी की मदद करें। और अगर आपने व्यवस्था बदल दी, मैं तो आपसे अपील कर रहा हूं, 70 साल वोट आपने अपनी मनमर्जी से दिए, हम तो 18 में भी आपके बीच नहीं आए थे, फिर भी आपकी सेवा उतनी कर रहे हैं, उतनी जय जयकार कर रहे हैं जवान किसानों की, उतना ही नाम आप सबका ले रहे हैं राजस्थान के अंदर लड़ाई संघर्ष के अंदर, हर जगह तैयार मिलते हैं। काजल की कोठरी में रहते हुए कोई कलंक नहीं लगा, कोई नहीं कह सकता कि 1 रुपए का भ्रष्टाचार किया या चंदे की रसीद बुक छपा के चंदा लेते घूम रहे थे तो दूसरे पार्टियों के लोग घूम रहे हैं। भाइयों, अपना इस आदमी को मजबूत करो। एक समाज से राज में कब्जा नहीं होता, सर्व समाज पिछड़े अति पिछड़े OBC स्वर्ण जातियां, और क्यों नहीं आएगी स्वर्ण जातियां मुझे बताओ मेरे साथ? अगर इस राजस्थान के अंदर ब्राह्मण बणियों को भी अगर आरक्षण की बात करिए आर्थिक आधार पे, तो नागौर के सांसद ने अपनी हुकार रैलियों के अंदर आर्थिक आधार पे गरीब जो भी पिछड़े आर्थिक आधार पे स्वर्ण जातियां उनको आरक्षण की पैरोकारी करी थी। तब तो लोग नहीं बोले थे कि हनुमान जी जातिवादी नहीं है। अगर कोई बदमाश है, कोई गैंगस्टर है, वो क्राइम कर रहा है, लूट रहा है, उसके खिलाफ उसको बोल दिया तो मैं जातिवादी हो गया, इसलिए मैं रजाई ओढ़ के सो जाऊं कांग्रेस BJP के नेताओं की तरह, तब मैं अच्छा लगूंगा लोगों को? उनको सोचना चाहिए किस तरह वो की भाषा का प्रयोग राजस्थान के अंदर कर रहे हैं। भाइयों, मैं तो जातीय जेर घोलने वाला आदमी नहीं हूं राजस्थान में, आपने देखा होगा मुझे, आप रीड कर रहे हो 15 साल से देख रहे हो मुझे, मेरे पास कोई भी व्यक्ति आता है बिना जाति पूछे टेलीफोन उठा के कलेक्टर SP को फोन करता हूं, जहां भी आवश्यकता पड़ती है। आप देखते हो मैं चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले। आपका बीकानेर जिला पड़ोस का कोलाइत को खोद दिया मंत्री जी, काम रॉयल्टी का मंत्री जी ने ले लिया, कांग्रेस के 3-4 और जो मंत्री का दर्जा और दूसरे वो शामिल हो गए। बाड़मेर में परसों गया बोले मंत्री जी पार्टनर, थोंक में मंत्री जी, भीलवाड़ा में मंत्री जी। अरे मैंने कहा मंत्री जी को पार्टनर की कहाँ आवश्यकता, ये तो धंधा कर सकते हैं भाई। राजनीति में अगर आओ तो सेवा करो, और बिजनेस करना है तो फिर राजनीति छोड़ो, दोनों काम एक साथ कैसे चलेंगे बताओ मुझे? ये तो नहीं चल सकते। इसलिए आपको अपने लोगों को मजबूती देनी होगी कि आपके लिए कौन खड़ा है विधानसभा के अंदर, कौन लोकसभा के अंदर, कौन सड़क पे, और कौन लाठी गोली चलने के बाद मैदान छोड़ के नहीं भागता, कौन आपके बीच खड़ा सुख दुख के अंदर। ऐसे लोगों को आपको परखना होगा, ऐसे लोगों की मदद करनी होगी। मैं 4-5 जो पहले यहाँ जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं हमारे तीनों विधायक, भाई खींवसर विधायक छोटे भाई नारायण, पुखराज जी गर्ग, इंदिरा जी बावरी, नेम सिंह जी चौधरी उत्तर प्रदेश से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, भाषण नहीं करा पाए लेट हो रहे थे, अगली सभाओं में दे देंगे, चुनाव तक यही नेम सिंह जी, ये भाई राजपाल, विजयपाल बेनीवाल, दानाराम जी गीताला, विवेक माचरा, बीकानेर की सारी हमारी टीम, RLP की तमाम जो पीछे हमारे बेटे सीताराम जी नाइक, सीताराम जी भाषण दियो कौन दियो? नायकों के बहुत वोट हैं यहाँ पे, दे दिया ठीक। पूरी हमारी टीम सारी, ये प्रधान बैठे हैं बावड़ी के, जोधपुर के राजू राम खोजा खड़े हो, राम राम करो आपका हो गया स्पीच, मान लो मेरे साथ ही मान लिया इनका स्पीच मान लो आपने, ये सारी टीम, ये हमारे देखो प्रधान जिला अध्यक्ष बैठे हैं 20, इनकी उम्र देखो सबकी, कोई 40 साल का, कोई 35 का, कोई 30 साल का। अगर इस राजस्थान को नए जवान नेता किसी ने दिए तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने दिए। पुराने जंग लगे हुए नेताओं से आपको मुक्त करने का बीड़ा उठाया तो RLP पार्टी ने उठाया, इनके जंग लग गई, और जिस बर्तन के जंग लग जाती है और जो बर्तन ज़्यादा खराब होता है, एक आध बार तो अपन कोशिश करते हैं धुलवा के सही करना, नहीं होता फेंकते हैं उस बर्तन को, उनको तो घर बिठा हुआ आप चले हुए जो कारतूस हैं उनको फेंको, वो कोई काम नहीं आने वाले। नए लोगों को तैयार करो जो लड़ सके, कम से कम 5 साल तो लड़ सके, 10 साल लड़ सके। मरे हुए लोगों को एक को हराते हो, एक को जिताते हो। आपने तो ये काम कर लिया, दिल्ली में लोग मेरे से लड़ते हैं कि हनुमान जी कौन सी थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हो,
हम जानते नहीं क्या राजस्थान को, नारे लगते हैं कि वीरों का राजस्थान, सूरवीरों का राजस्थान, लेकिन वोट के टाइम तो एक ही बात होती है, एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा, एक रोटी है, एक बार इधर से डाल दी और इधर से डाल, ये रोटी का काम आप लोग करें। उठो, अपनी ताकत को पहचानो, बदल दो इस व्यवस्था को, जिस तरह नागौर ने, खींवसर ने बदल के हनुमान बेनीवाल दिया आपको, उसी तरह अनूपगढ़ से व्यवस्था बदल के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का विधायक दो, राज सिंह नगर से आरएलपी का विधायक दो, सूरतगढ़ से आरएलपी का विधायक दो, खाजूवाड़ा से आरएलपी को जिताओ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप कम से कम 125 सीटों में टक्कर में रहेगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर। थोड़ी सी हिम्मत दिखा दी, राज में आ जाओगे, और राज में अगर आ गए तो 15 मिनट में समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये जो फर्जी थानेदार डिप्टी घूम रहे हैं ना, 15 मिनट में इनकी नौकरी हटा के इनको घर भेज दूंगा 15 मिनट के अंदर, विश्वास के साथ आपको करो। जितने भी बदमाश राजस्थान के अंदर घूम रहे हैं, बंगाल की खाड़ी के अंदर भाग जाएंगे, एक भी नहीं दिखेगा आपको घूमता हुआ। ये अगर व्यवस्था चाहते हो, चाहते हो कि कोई किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या नहीं करे, किसी किसान के बेटे को फांसी के फंदे, रोजगार के लिए फांसी के फंदे को नहीं चूमना पड़े, किसान के बेटों के हाथ में बंदूक की जगह कलम चाहते हो, और चाहते हो कि हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे अनूपगढ़, गढ़साना और आपके रावला की तरफ जाए, वो अकेले भी अगर चली जाए बाइक लेके, हिम्मत है कोई सामने देख ले बेटी की तरफ, ऐसा खौफ कानून का चाहिए। वो कौन करेगा? वो बीजेपी कांग्रेस नहीं करेगी, ये तो वसुंधरा गहलोत का गठबंधन है। ये माफिया को अगर पनपाया राजस्थान के अंदर, इन्होंने पनपाया, जातीय जेर घोला इन लोगों ने घोला। याद करो किस तरह वसुंधरा ने किसानों के सीनों पे गोलियां मारी थी। अब तो शायद विधायक आपके कौन सी पार्टी का यहाँ पे, हाँ तो हराओ उसको, बीजेपी के विधायक को हरा के आरएलपी का विधायक लाओ। कांग्रेस तो वैसे ही मरी पड़ी यहाँ पे पूरे राजस्थान के अंदर, तो गहलोत जी चाहे कितना ही बांट देर कर दे, इससे क्या फर्क पड़ता बताओ मुझे। मुफ्त दवाई बांटी थी ना 2010-11, बांटी थी कि नहीं बांटी थी? लोगों ने दवाई खा खा के गहलोत का इलाज कर दिया था, 21 सीट पे ले आए थे राजस्थान के अंदर। भाइयों, अगर कोई सरकारी फायदा मिल रहा है तो लेने में कोई दोष नहीं है। वैसे तो सरकारों को ये करना चाहिए कि हमारे यहाँ उद्योग लगे, आर्थिक स्थिति ठीक हो, 80% उद्योगों में हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। आप उद्योग धंधे लगाएं, उद्योग पैदा करें राजस्थान के, नए डेवलपमेंट करें, उद्योग लाएं। बेकारी बेरोजगारी खुद लेके आ रहे हो, फिर 500 की पेंशन, 700 की रात, 15 किलो गेहूं और 25 किलो आटे में राजस्थान का वोट खरीदना चाहते हो, कैसे कोई देखा? हमारा स्वाभिमान नहीं क्या हम लोगों का, बताओ आप? चुनाव के समय कोई दारू बांट देगा, कोई कुछ कर देगा, तो पैसे वाले जीतते जाएंगे, फिर गरीब आदमी कैसे लड़ाई लड़ेगा? जब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ राजस्थान के अंदर, मन में एक बात ये भी कही है कि कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जो भी पार्टियाँ मजबूत है, जो बाद में छोड़ के नहीं भागे। आपने देखा जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तो कहाँ गई थी पार्टियाँ? कम्युनिस्ट चले गए गहलोत के साथ, लोकदल चला गया, बसपा तो हाथी समेत ही चली गई, वापिस नहीं दिखी, 6 के 6 दो बार चले गए, 2009 में भी चले गए थे बसपा वाले, और अब भी चले गए दो बार खरीद फरोख्त। गहलोत जी कहते हैं कि बड़ी खरीद फरोख्त हो रही है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। अरे आपने तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया है, पूरी बसपा पार्टी को दो बार खरीद लिया, और ज्ञान दे रहे हो लोगों को, और खुद कह रहे हो वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई, और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। अभी लड़ा था ना हिमाचल में मोदी के चेहरे पर, कर्नाटक में लड़ा था ना, झारखंड में नहीं लड़ा क्या? तो अपन क्या कमजोर है क्या राजस्थान के लोग? भाइयों, आपको इस बार मजबूती दिखानी है, नहीं तो लोग नारे लगना बंद कर देंगे। बोलो जय जय जय, जैसे थोड़े होता है, खाली वो जय के साथ वोट भी डालना पड़ता है। कुछ जयकारे मैं आपको लगा दूं ताकि आप लोग चार्ज हो जाओ वापिस। जय बोले वीर तेजा जी महाराज की, जय बोले गोसाई जी महाराज की, जो बोले सो नियाल, सत श्री अकाल। वो संख्या ज्यादा है यहाँ पे मजबूत भी है। राम साहब पीर की, बाबूजी महाराज की, जम्बोजी महाराज की, एक एक प्रमुख लोग जो हैं बैठे हैं भाई मंदिराम जी सर, कुछ लोगों का नाम भूल जाऊं नाराज मत होना, अगली बार ले लूंगा, अभी रैलियां ही करनी है अपने को हमेशा। मनीराम जी सारण, नथुराम जी चोरण, सरपंच साहब संदीप जी ढिल्लो, बलराम जी जोरड़, जय सिंह जी जाखड़, मदन जी चोरण, सुंदर जी डागला,
मैनपाल जाखड़, रवित जाखड़, इंद्राज जी जानी, लेखराम जी मेघवाल, सरपंच साहब रामलाल जी बावरी, रणजीत चौरान, अर्जुन जी चोटिया, मदन जी रोज, और तो करीब करीब आ ही गए सारे लोग, सम्मानित मंच। और सबसे ज़्यादा मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा जो बीकानेर नागौर से सुबह से मेरे साथ चल के आए नौजवान। वापस याद रखना है, वापस जाते हुए भी गाड़ी की स्पीड धीरे रखनी है। और यहाँ जो अनूपगढ़ का, घटसाना रावला का मैंने ट्रेंड देखा है, मुझे कोई कह रहा था कि लोग इकट्ठे होते ही नहीं साहब, मैंने कहा थोड़ा तो जमींदार है, कुछ ईश्वर की कृपा है, नहरी इलाका, तो नहरी इलाके में लोग हमारी साइड से कम लोग आते हैं, लेकिन फिर भी आज जितनी डोम की लंबाई है इसको चारों तरफ से आपने भर दिया था, बड़ी तादाद के अंदर आए और पूरे शहर के अंदर जो स्वागत सत्कार किया नौजवानों ने, जिस हौसले के साथ काम किया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जल्दी आप कभी दोबारा आएंगे, अनूपगढ़ भी आएंगे, रावला भी चलेंगे, रायसिंह नगर भी चलेंगे, और आपके जो जो मुद्दे किसानों के उसमें सरकार को झुकाएंगे और किसानों की जीत कराएंगे, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। हनुमान बेनीवाल हमेशा जहाँ भी किसान हितों में कुठाराघात होगा आगे की पंक्ति में खड़ा मिलेगा। मेरे राजनीतिक कैरियर की मैंने कभी चिंता नहीं की, मेरा राजनीतिक कैरियर आप हो। मेरे घर के अंदर किसी नेता की फोटो नहीं है, लोग मुझे पूछते कि आपका नेता कौन है, मैंने कहा मेरे तो लोक देवता हैं जिनकी फोटो है, और या आप जैसे लोग हैं जो मेरा स्वागत सत्कार करते हैं, या मैं आपका वापिस करता हूँ, उन लोगों की फोटो जरूर मिलेगी। मेरा सर किसी के आगे नहीं झुकता, या तो भगवान के आगे झुकता है या आपके आगे झुकता है, विश्वास दिलाता हूँ आने वाला समय आपका है। मैंने पिछली बार भी कहा था 18 के चुनाव के अंदर, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा, या तो दूल्हा और या बाराती, तो बढ़िया दूल्हा तो बारात में चल चलेंगे, लेकिन मैं दुल्हन बन के काम नहीं कर सकता। जैसे हमारे पायलट साहब गहलोत की दुल्हन बन गए थे, बीच में बने थे कि नहीं बने थे काफी समय तक। अरे उप मुख्यमंत्री क्या होता है, उप मुख्यमंत्री होता है मुख्यमंत्री की लुगाई, यही होता है और क्या होता है। हमारे हरियाणा के अंदर, हरियाणा में हमारे चौटाला जी, हरियाणा के दुष्यंत चौटाला खट्टर की पत्नी है और पायलट साहब यहाँ गहलोत के थे, वो तो मैंने जोश दिलाया इसलिए अलग आके खड़े हो गए, नहीं तो वही पत्नी बन के रहते अभी तक। ये भी ठीक काम किया, ठीक संदेश दिया। उप मुख्यमंत्री कोई पोस्ट नहीं होती संविधान का राजी करने का कि हमने डिप्टी सीएम बना दिया। डिप्टी सीएम क्या होता है, अरे घर में कोई चौधरी होता तो कोई उप चौधरी होता है क्या, उस घर के अंदर तो एक ही होता है चौधरी, तो पटेल होता तो एक ही पटेल होता, उप पटेल कौन सा होता है। ये बकवास है फालतू की, इन बातों का भी हमें ध्यान देना है। चुनाव का समय है, कई लोग आएंगे बाहर से, पैसा लूट लिया लोगों ने, आएंगे कोई हेलीकॉप्टर लेकर आएगा, कोई हवाई जहाज लेकर आएगा, आपको बरगलाने का प्रयास करेंगे। हमें ध्यान रखना है हमारे बीच कौन रहा, किसने संघर्ष किया, किसने त्याग समर्पण किया। हम भगत सिंह के अनुयायी है, हम वीर तेजाजी के भक्त हैं, हमें हमारे भाई को मजबूती देनी है और आपकी खुद की पार्टी को मजबूती देनी है। ये यूपी और हरियाणा का जो झंडा पहले लोग लेके आते थे, बड़ी मुश्किल से छुड़ाया मैंने झंडा, ये मैं जवानों को धन्यवाद दूंगा कि उन झंडों को भूल गए लोग। आरएलपी का खुद का झंडा, आपका झंडा, ये पार्टी आपने बनाई है, आपके संघर्षों से बनी है, आपकी हुंकार से बनी है। इस पार्टी का टिकट लेने के लिए आपको दिल्ली के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, खाली फोन ही करना 5 आदमियों को कि आदमी जोर को टिकट भेज दो, आ जाएगा अपने आप ही टिकट आपका फोन पर ही। ई दिए हमने इसी तरीके से, विश्वास चलाता हूँ, धोखा नहीं दूंगा, सत्ता में आपको आने का मौका दूंगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद नेताजी। थोड़ी देर तो बैठो आप लोग, एक बार सब लोग एक 5 मिनट के लिए बैठो, एक बार कोई प्रशासनिक लोग यहाँ आ रहे हैं बात कर लेते हैं, बात नहीं बैठती तो थोड़ा यूं पैदल मार्च या करेंगे कुछ न कुछ। 5 मिनट बैठो सब लोग, है ना, 5 मिनट बैठो। अभी जो जो समस्याएं जिनका ज्ञापन आप लोगों ने नेताजी को दिया, जो जो यहाँ की समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को लेकर अभी प्रशासनिक रूप से ज्ञापन दिया जाएगा।
आज का जो ज्ञापन दिया जाएगा इसमें मुख्य रूप से हमारी जो मांगे हैं, प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति पटरी पर लाने हेतु किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, किसानों को कृषि हेतु मुफ्त बिजली, राजस्थान सरकार द्वारा मजबूत लोकायुक्त की स्थापना करना, राजस्थान के सभी राज्य राजमार्गों को टोल मुक्त किया जावे, प्रदेश के किसानों को फसल बीमा क्लेम का सही व लंबित भुगतान अविलंब दिलवाया जावे, राज्य सरकार के विभिन्न महकमों में रिक्त पड़े पदों की पारदर्शी भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से शीघ्र भरा जाए, नहरों से सिंचित क्षेत्रों को बढ़ाया जाए, लंपी स्किन बीमारी से काल कलवित हुए गोवंश के सभी पशुपालकों को आर्थिक सहायता दी जावे, राजस्थान में बढ़ते अपराधों पर रोकथाम हेतु प्रभावी कानूनी नीति बनाई जाए, HT व EST विद्युत लाइनों के टावर लगाने हेतु काम में ली जाने वाली कृषि भूमि का संबंधित किसान को मुआवजा, प्रदेश के सभी उद्योगों में 80% स्थानीय लोगों को रोजगार, 6A के तहत प्रभावित काश्तकार जिन्होंने पेनल्टी राशि जमा करा दी है लेकिन उन्हें मालिकाना हक नहीं मिला उन्हें मालिकाना हक दिलाया जावे, गढ़साना मुख्यालय को नगर पालिका बनाया जाए, अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा करवाया जाए, अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की बदहाल स्थिति को तत्काल सही कराया जावे, सिंचाई के लिए नहरी रेगुलेशन 6 माह का निर्धारित किया जावे तथा अनूपगढ़ शाखा में 2450 क्यूसेक पानी रिजर्व किया जावे। किसान आंदोलन के समय राज्य सरकार द्वारा सिंचाई पानी को लेकर प्रथम चरण में द्वितीय चरण के पानी की मात्रा निर्धारित करते हुए लिखित समझौता किया गया था उसे पूर्ण लागू किया जावे। गढ़साना अनूपगढ़ स्थित 10 गुना खरीदारों को खातेदारी अधिकार प्रदान किया जावे। गढ़साना उपखंड मुख्यालय को पर राजकीय महाविद्यालय की स्वीकृति दिलाई जाए। मंडी समिति की भूमि पर काफी वर्षों से काबिज लोगों को नियमानुसार पट्टे दिए जावे। श्री गंगानगर जिले के सभी गाँव में आबादी विस्तार है तो प्रभावी कदम उठाया जावे। अनूपगढ़ सहित पूरे श्री गंगानगर जिले में स्थित टोल नाकों के 20 से 30 किलोमीटर दायरे में आने वाले सभी गांवों के नागरिकों को टोल मुक्त किया जावे और क्षेत्र में बढ़ रहे मेडिकेटेड नशे के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाते हुए नशे की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जावे। इसके अलावा अभी जो पीलीभंगा का एक शिकार प्रकरण का भी मामला है उसको लेकर भी अभी प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे। इसके अलावा जो भी यहाँ लोकल मुद्दे जो ज्ञापन के माध्यम से आए हैं उसके हिसाब से भी हम आपको पूरा भरोसा दिला के जाना चाहेंगे कि इसके अंदर ठोस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं मंच पे जो भी खड़े हैं लोग भाग आप सबसे निवेदन करूंगा मंच से आप लोग थोड़ा सा नीचे उतरें। अभी साहब जब नीचे आएंगे आप लोग जो सेल्फी लेना चाहेंगे सबके साथ आप सेल्फी ले सकते हैं। थोड़ा व्यवस्थाओं को बनाए रखें आप। राजपाल